नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का। मैं इंडियन रोड्स पर चलते समय आपने ऑब्जर्व किया होगा, इस तरह के एक्सीडेंट्स बहुत ही कॉमन है जिसमें एक गाड़ी आगे चलती रहती है और पीछे से दूसरी गाड़ी या फिर बाइक आकर उसको हिट कर देती है। अब इसके वैसे तो कई सारे रीजंस होते हैं। कई बार आगे वाली गाड़ी के सामने अचानक से कोई आ जाता है जिससे सडन ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है और पीछे वाले गाड़ी का ड्राइवर टाइमली कंट्रोल नहीं कर पाता, या कई बार पीछे वाले ही अनकंट्रोल होकर आगे वाली गाड़ी को हिट कर देते हैं। हालांकि इसके अलावा भी कई और तरह के सिचुएशन क्रिएट होते हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। रिसेंटली चैनल के ही एक व्यूअर ने ये वीडियो शेयर किया था। कुछ दिनों पहले आपने चैनल पर देखा रहा होगा, एडास की वजह से एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कार ट्रैफिक के बीच से होते हुए जाती है और अचानक से उसके सामने ये पेडेस्ट्रियन आ जाता है, जिसके बाद गाड़ी का अपने आप ही ब्रेक लग जाता है और पीछे से आ रही गाड़ियां इसमें लड़ जाती हैं। बिल्कुल वैसा सिचुएशन यहाँ पर भी क्रिएट हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से NH8 से होते हुए जा रहे होते हैं। इस रोड पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है और सारी गाड़ियों को नॉर्मल स्पीड में चलाया जा रहा है। इसके अलावा सारे गाड़ियों के बीच ठीक ठाक डिस्टेंस भी है। अब होता क्या है, थोड़ी दूर चलने के बाद एक जगह पर सामने वाली ये वैगनार अचानक से रुक जाती है और इसको ऐसे अचानक से रुकता देख पीछे वाली गाड़ी यानी डैश कैम वाली कार इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर देती है, जिसके बाद इसके पीछे से आ रही अकॉर्ड सीधा आकर बैक साइड में घुस जाती है। अब यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो एडास ने सही काम किया है। अगर रिकॉर्ड थोड़ा सा भी और पीछे रही होती तो शायद वो इस गाड़ी में ना लड़ती, लेकिन जैसा कि यहाँ पर ठीक ठाक ट्रैफिक है इसलिए बहुत ज़्यादा दूर दूर चलना पॉसिबल नहीं है। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने ठीक ठाक दूरी पर ही ब्रेक अप्लाई कर दिया है। अगर कंट्रोल ड्राइवर के हाथ में होता तो गाड़ी और आगे जाती और एकदम वैगनार के पास में रुकती तो हो सकता है इस एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सकता था। तो कई बार ऐसे ट्रैफिक्स में एडास उल्टा ही नुकसान करवा देते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई ओनर्स का ये कहना था कि वो इमरजेंसी ब्रेकिंग को ऑफ करते हैं, लेकिन ये अपने आप ही ऑन हो जाता है और ऑन होने के बाद ट्रैफिक में कुछ इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। हालांकि भाई फिर भी इस एक्सीडेंट में किसी की गलती नहीं थी, लेकिन ऐसे ही जो और एक्सीडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर लोगों की लापरवाही से ही होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये एक्सीडेंट देखिए जिसे रिसेंटली फेसबुक ग्रुप में शेयर किया गया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से हैदराबाद के चार मीनार रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। ये 4 लेन रोड है, एक तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं और दूसरी तरफ से जा रही हैं और इस पर भी ठीक ठाक ट्रैफिक है और डैश कैम वाले कार के जस्ट पीछे आपको ये स्कूटी वाले भाई भी आते हुए दिख रहे होंगे। अब होता क्या है, एक जगह पर ये पुलिस से बचने के लिए अपने गाड़ी को राइट वाले लेन में लाते हैं और कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इनका ध्यान पुलिस के ऊपर होता है और एक तरह से कह सकते हैं ये उनसे बचकर भागने की कोशिश कर रहे हैं और इसी चक्कर में ये आकर डैश कैम वाले कार को हिट कर देते हैं और स्कूटी के साथ ही सड़क पर गिर जाते हैं। हालांकि ये टक्कर कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं हुआ, नॉर्मल सा था, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा कोई चोटें नहीं आई होंगी। अगर बाई चांस ये तेज़ रफ्तार में लड़ते तो हो सकता था इनको मेजर इंजरीज आ जाती क्योंकि इन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था। खैर जैसे ही ये गिरते हैं बगल में जो ट्रैफिक पुलिस खड़े होते हैं वो तुरंत ही गाड़ी के पास आते हैं और इसी के बाद डैश कैम वाले कार के ड्राइवर भी उतर कर पीछे जाते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं ये एक्सक्यूज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा बता रहे हैं शायद ब्रेक नहीं लगा, शायद इनको पता नहीं था कि गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ है और चीज़ें पहले से ही रिकॉर्ड हो रही थी। हालांकि कार के ड्राइवर ने इन पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिसमैन कार ड्राइवर को इशारा कर रहे थे कि वो इन पर एक्शन लें, लेकिन फिर भी कार ड्राइवर ने इन्हें जाने दिया। अब एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छी चीज़ है, अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और आप लोगों को जाने दे रहे हैं तो ठीक ही है, लेकिन भाई ये चीज़ें आगे इनको प्रॉब्लम दे सकती हैं। ये अगर ऐसे ही राइडिंग करेंगे तो हो सकता है ये आगे चलकर खुद को खतरे में डाल दें, इसलिए इन जैसे चीज़ों के लिए पनिशमेंट ज़रूरी होता है। बिल्कुल ऐसा ही एक और लापरवाही वाला एक्सीडेंट रिसेंटली टाटा हैरियर के ओनर डॉक्टर इन ब्रासन ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि सर अपने SUV से रात के समय कर्नाटका के बेंगलुरु से तमिलनाडु के धर्मपुरी के तरफ ट्रेवल कर रहे थे। अब धर्मपुरी पहुंचने के बाद एक जंक्शन के रेड लाइट सिग्नल पर ये अपने गाड़ी को रोकते हैं। सर ने बड़े ही आराम से अपने गाड़ी के स्पीड को कम करके रोका है और इनके गाड़ी के जस्ट आगे भी एक बाइक और एक कार खड़ी हुई है, लेकिन तभी होता क्या है, पीछे से ये अल्ट्रोज वाले भाई आते हैं और सीधा आकर हैरियर को बैक साइड से हिट कर देते हैं।
आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं इन्होंने अपने गाड़ी को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की है, ना ही ऐसा लग रहा है इनका ध्यान सामने की तरफ था। अब ऐसा एग्जैक्टली क्यों है वो तो मैं आगे आपको बताता हूँ, लेकिन जैसे ही वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो यहाँ पर वैसे ही आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। वीडियो में आपको साफ दिख रहा होगा एल्ट्रॉस को पूरे सड़क पर लहरा कर चलाया जा रहा है और एक बार ड्राइवर ने काफी पास में आकर हैरियर को ओवरटेक करने की कोशिश भी की है, लेकिन ये ओवरटेक नहीं कर पाए। वहीं सिग्नल से जस्ट पहले यानी हैरियर को टक्कर मारने से पहले ये एक पेडेस्ट्रियन को भी हिट करने वाले थे, लेकिन पेडेस्ट्रियन ने लेफ्ट में जाकर जल्दी से खुद को बचाया है और इसी के बाद ये एक्सीडेंट हो गया है। अब इन चीज़ों को देखकर आप समझ गए होंगे कि अल्ट्रॉस के ड्राइवर जो हैं वो पूरी तरह से होश में नहीं थे, इन्होंने ड्रिंक किया हुआ था इसलिए वो गाड़ी को इस तरह से चला रहे थे। हालांकि भाई अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि इन्होंने किसी पर्सन को या फिर बाइक वालों को हिट नहीं किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो सकता था, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इम्पैक्ट ठीक ठाक था और दोनों ही तरफ 5-स्टार रेटेड गाड़ियां थी। हालांकि जैसा कि हैरियर एक बड़ी SUV है इसलिए ये और भी ज़्यादा मजबूत है और इस टक्कर से इसमें बहुत ज़्यादा कोई नुकसान भी नहीं आया है। फोटोज में आप क्लियरली देख सकते हैं इसका सिर्फ बम्पर थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, बाकी सब पूरी तरह से सेफ है। वहीं दूसरी तरफ जब हम एल्ट्रॉस को देखते हैं तो डायरेक्ट इम्पैक्ट से इस गाड़ी का बम्पर टूट गया है, हेडलाइट टूट गया है और बोनट मुड़ते हुए कुछ हद तक अंदर घुस गया है। हालांकि अच्छी बात ये थी कि इसमें एल्ट्रॉस के ड्राइवर बिल्कुल सेफ थे और एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही हैरियर के ओनर ने और आसपास के लोगों ने इनको गाड़ी से बाहर उतारा है और इनसे इनका हाल चाल पूछा है। हालांकि भाई को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं हैरियर के ओनर जो हैं वो थोड़ा परेशान थे इनको लेकर। उनकी गाड़ी डैमेज हुई उनको फ़र्क नहीं पड़ा, वो ये देख रहे थे कि एल्ट्रॉस का ड्राइवर सेफ है या नहीं। और भाई इन्होंने ना इस ड्राइवर के ऊपर कोई FIR करवाया और ना ही किसी भी तरह का कोई कंपनसेशन लिया। इन्होंने बोला कि मेरे गाड़ी में बहुत ज़्यादा कोई नुकसान आया नहीं था, मैं इसे हैंडल कर लूँगा। लेकिन तभी होता क्या है कि चीज़ों को देखते हुए स्पॉट पर तुरंत ही एक ट्रैफिक पुलिसमैन आ जाते हैं और वो एल्ट्रॉस को अपने कब्जे में ले लेते हैं और ड्राइवर को भी डिटेन कर लेते हैं। अब जैसा कि ये ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे थे और इन्होंने एक्सीडेंट किया है, साथ में कुछ लोग लड़ने से भी बचे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में इनको ऐसे जाने देना बिल्कुल भी समझदारी का काम नहीं था। इनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया। ट्रैफिक पुलिस ने वहां पर एल्ट्रॉस के ड्राइवर पर ड्रिंक एंड ड्राइविंग के लिए कड़ा फाइन लगाया और इनको ट्रैफिक ऑफेंस के लिए कोर्ट में पेश किया। अब बाद में हो सकता है वहां से इनको बेल वेल मिल गई हो, लेकिन हैरियर के ओनर की तरफ से कोई भी कार्रवाई इनके ऊपर नहीं की गई थी। लेकिन खैर अच्छी बात यहाँ पर यह है कि पुलिस ने इन पर एक्शन लिया, क्योंकि भाई आपको पता है इस तरह के लोग जो हैं वो ऐसे ड्राइविंग करके ना सिर्फ खुद के जान को खतरे में डालते हैं बल्कि सड़क पर चलने वाले दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसी वीडियो में आप देख सकते हैं 2-3 बार एक्सीडेंट होने से बचा है। अगर गाड़ी कहीं लोगों को हिट करती तो उस सिचुएशन में काफी बड़ा नुकसान हो जाता, इसलिए इस तरह के ड्राइवर्स पर एक्शन लेना और उन्हें पनिश करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आगे से ये लोग ऐसी हरकतें ना करें। बाकी भाई आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।